नजारत रसूल समाचार 12 अध्याय का 20वां वचन। परंतु परमेश्वर ने उससे कहा, ये मूर्ख, इसी रात तेरा प्राण तुझसे ले लिया जाएगा, तब जो कुछ तूने इकट्ठा किया है वह किसका होगा। इस दृष्टांत पर ध्यान दीजिएगा, आज तुम्हारा प्राण तुझसे ले लिया जाएगा, जाने की संभावना इसे नहीं कहा। इसका मतलब इस दृष्टांत को जब कहता है इनका प्राण आज ले लिया जाएगा, इसका मतलब परमेश्वर तय कर लिया है उसको ले लेना है। ऐसे समय में ये व्यक्ति आ गया, इसका मतलब अभी तक जो कमाया उस धान, जो कल्याण ये बनाया और जिसने वस्तुएं इकट्ठा की, आज रात उसका प्राण उससे ले लिया जाएगा। इसका मतलब अभी तक जो कमाया धान और पैसा और सारे चीजें, वस्तुएं, मौज मस्ती, ये दुनिया सब चीज जो है कल्पना या सपन का समान कह जाने वाली है, इसी जीवन, इसी संसार, यही सारे वस्तु पर ध्यान देने के चलते ही इतनी समस्या। इस मनुष्य को अपना जीवन या दुनिया के बारे में उनका मन में एक गलत विचार थी। आज भी दुनिया में सारे मनुष्य अपने मृत्यु के बारे में, अपने जीवन के बारे में गलत विचार रखे हैं। सब लोग जानते हैं मृत्यु को कोई भी जीत नहीं सकता है, किसी न किसी दिन मरना ही होगा, इसलिए सब लोग जानते हैं उनका मृत्यु एक दिन कभी न कभी होगा। इस महामारी के समय में किसी को कुछ भी हो सकता है, इतने जानने के बाद भी, यानी मृत्यु के बाद एक जीवन है उसको जो सामना करना है, ये भावना भी लोगों के अंदर नहीं है। शैतान इन लोगों की मन की आंखों को बंद करके रखा है। इसको सुनने वाले मेरे प्यारों, इसलिए जब इस दुनिया में रहते हैं अपने जीवन के बारे में सोचना है और परमेश्वर का पास हमें आना है, प्रभु के सहारे में रहना है। इस दुनिया में किस प्रकार जीवन बिताते हैं वैसे ही हमारा अंत भी होगा। अपने आत्मा के बारे में सही ज्ञान नहीं है इनको। एक आत्मा संसारिक वस्तु से आत्मा कभी भी तृप्त नहीं होती है। अपनी आत्मा के प्रति सही ज्ञान उनको नहीं है। इस मनुष्य आज भी हमारे लिए एक चेतावनी है। इसको सुनने वाले आप और हम जब इस दुनिया में रहते हैं परमेश्वर के पास आके मन पिरा के उनके चरणों के पास आने से वो हमें पवित्र करके आगे उठाने के लिए वो विश्वास योग्य है। हालेलुया, हालेलुया।